खोज वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, खोज वर्ड में आज हम ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन पर एड्स रोग भी बेअसर है। दोस्तों, हम आपको बता देंगे एड्स एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिससे दुनिया में करीब 10 लाख लोगों की हर साल मृत्यु हो जाती है। एड्स रोग HIV वायरस के संक्रमण से होता है। एड्स रोग शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित कर देता है। इससे शरीर में बीमारियों से बचाव की क्षमता घटने लगती है। एड्स का इलाज खोजने में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई दवा या वैक्सीन नहीं बनी है जो एड्स को पूर्णतया ठीक कर दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुल आबादी के 1% लोग ऐसे भी हैं जिन पर HIV वायरस का असर होता ही नहीं। प्रकृति के इस छुपे रहस्य का पता कुछ वर्षों पहले ही चला है। तो हम आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो भाग्यशाली लोग है कौन। वैज्ञानिकों ने 2005 में इस तथ्य का पता लगाया कि मुख्यतः उत्तरी यूरोप और अफ्रीका, एशिया, मूल अमेरिकन जाति के कुछ लोगों के खून में CCR5 डेल्टा 32 नामक अद्भुत जीन म्यूटेशन पाया जाता है। ऐसे लोग दुनिया की कुल आबादी का 1% से भी कम है। आज दुनिया की आबादी 760 करोड़ से भी ज्यादा है, तो लगभग 5 से 6 करोड़ लोग ऐसे है जो एड्स प्रतिरोधी है। CCR5 डेल्टा 32 जीन म्यूटेशन जिनके शरीर में होता है उनमें CCR5 प्रोटीन सफेद रक्त कोशिका की सतह पर पाया ही नहीं जाता। इस वजह से HIV वायरस कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाता और बेअसर हो जाता है। ऐसे भाग्यशाली लोगों को ये CCR5 डेल्टा 32 जीन म्यूटेशन अपने माता पिता दोनों से मिला होता है। अगर माता पिता में किसी एक से भी ये जीन म्यूटेशन मिला हो तो बाकी जनता की तुलना में एड्स होने की संभावना 0 रहती है। रिसर्चर्स ने पता लगाया कि ये जीन म्यूटेशन लगभग 15 सदी के आसपास पहली बार कुछ मनुष्यों के शरीर में पैदा हुआ था। इस बात का अभी तक ठीक पता नहीं चल पाया है कि जिन लोगों में यह जीन म्यूटेशन होता है उन्हें यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों और कैसे मिलता आ रहा है। 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में एक स्टडी में पाया गया कि केन्या की कुछ महिला सेक्स वर्कर्स को एड्स नहीं हुआ, जबकि वो 3 साल से ऐसे कई लोगों के संपर्क में थी जिनके शरीर में HIV वायरस थे। एक बात और, ऐसे ही एक भाग्यशाली एड्स प्रतिरोधी व्यक्ति की मदद से जर्मनी के बर्लिन शहर में रहने वाले टिमोथी रे ब्राउन का एड्स रोग ठीक हुआ। जी हां, दुनिया में आज एक टिमोथी रे ब्राउन ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एड्स रोग होने के बाद भी ठीक हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो और जानकारी नई लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस वीडियो को वो लोग भी देख सकें। खोज वर्ल्ड में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।